अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको मोल्स से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था और आपको मैंने एक पूरा कनेक्शन डेवलप करके बताया था कि मास इन ग्राम्स क्या होता है, बेसिकली मोल्स होता है, और मोल्स को फिर हम किससे एसोसिएट करते हैं, एवोगैड्रो से, और फिर एवोगैड्रो से हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम एंड एसटीपी। और मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी थी, मैंने आपको एएमयू से ग्राम में आने में आपको मोल्स की कन्वर्जन भी बताई थी, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस लेक्चर में आपको मोल्स से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, उनके बारे में मैं डिस्कशन करूँगा। मैं आपको मोल्स निकालने के चार फार्मूले बताऊँगा और फिर उनसे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर आप मोल्स को फार्मूलेज के ज़रिए कैलकुलेट कर रहे हो, यानी मोल्स के लिए हम क्या बात करें, फार्मूलाई की, तो एक फार्मूला उस वक़्त लगता है जब मास इन ग्राम्स गिवन हो, सही। जब आपको मास इन ग्राम क्वेश्चन में गिवन हो तो आप मोल्स कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है सिंपल सा। मोल्स का सिंबल है एन, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास लिख दो आप। अगर आपको एटम गिवन हो तो आप एटॉमिक मास लिख दो, ठीक है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको इस चीज़ का शऊर होना चाहिए कि क्वेश्चन में एटम है या मोलिक्यूल है। अच्छा, अगर आप बात करते हैं दूसरे फार्मूले की, तो दूसरा फार्मूला उस वक्त लगता है जब आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो। अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, और मैं बार बार कह रहा हूँ, जब मैं बात करता हूँ ना पार्टिकल की, तो पार्टिकल का मतलब क्या होता है, पार्टिकल का मतलब होता है एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस। तो अगर क्वेश्चन में आपको पार्टिकल्स गिवन है, यानी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो फिर आपको मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन ए। व्हाट इज एन ए, एवोगैड्रो नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स वगैरह गिवन है, तो फिर आपने उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को सिंपल एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है, देन यू गन हैव योर मोल्स, ठीक है। और अगर आपको सिंपल मास गिवन है, तो मास को मोलेकुलर मास या एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि पार्टिकल्स का मतलब एटम्स, आयंस और मोलिक्यूल्स हो, ठीक है। अच्छा, और अगर हम बात करते हैं तीसरे केस की, कि तीसरा केस क्या हो सकता है मोल्स से रिलेटेड, तो देखो तीसरा केस ये हो सकता है कि आपको वॉल्यूम गिवन हो, ठीक है। किसी भी गैस का आपको कोई वॉल्यूम दे दे और आपसे निकालने के बोले मोल्स, तो उसके बारे में ज़रा सुनना। देखो, अगर आपको वो वॉल्यूम देता है और आपको मोल्स निकालने हैं, तो बेटा वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, जो वॉल्यूम आपको गिवन है, यानी जो वॉल्यूम गिवन यहाँ पे ऊपर मैंने रखा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय करवा दिया 22.4 डीएम क्यूब। सिंपल सी बात, जो आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम दे रहा है ना और आपसे मोल्स निकालने का बोल रहा है, तो आप उस वॉल्यूम को किससे डिवाइड करवा दो, 22.4 से। लेकिन ये कंडीशन ज़रूर जहन में रखना कि ये बात की गई हो कहाँ पर, एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। ये उस वक्त होगा, यानी डिवीजन जो है 22.4 से उस वक्त होगा जब वो आपको वॉल्यूम क्वेश्चन में देगा, लेकिन अब वो आपको मेंशन कर रहा हो कि ये वॉल्यूम कहाँ पर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर के यूजुअल मीनिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताए थे कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब टेम्परेचर आपके पास 0 डिग्री और प्रेशर आपके पास क्या हो, 180 हो। और जो फोर्थ केस है वो बहुत रेयर पूछा जा सकता है, आई थिंक आपके बोर्ड के एग्जाम में वो केस ना पूछा गया हो कभी, और लेकिन फिर भी आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि फोर्थ केस क्या हो सकता है, जब आपसे मोल्स के बारे में, आपको क्वेश्चन में कंसंट्रेशन गिवन हो एंड वॉल्यूम गिवन हो, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कंसंट्रेशन गिवन हो और आपको वॉल्यूम दे दे, तो उस केस में फिर आप क्या करते हैं। अच्छा, याद रखो बेटा, कंसंट्रेशन का मतलब क्या, मोलैरिटी गिवन हो। कंसंट्रेशन का मतलब यूजुअली हमारे पास क्या हो, मोलैरिटी गिवन हो। तो इस केस में फिर हम क्या करते हैं, हम लोग फिर कौन सा फार्मूला लगाते हैं नंबर ऑफ मोल्स का, वो ज़रा आप देख लें। तो बेटा, अब इस केस में नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम क्या करेंगे, हम उस मोलैरिटी को, यानी जो कंसंट्रेशन गिवन है, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये बहुत रेयर केस है, यानी बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन जो फार्मूला बेस्ड मोल्स के पूछे जा रहे हैं,
या तो सिंपलेस्ट ऑफ ऑल ये वाला पहला वाला केस, क्वेश्चन में मास देता है, मोलिकुलर मास से डिवाइड करके मोल्स निकालते हैं, और अगर थोड़ी सी टिपिकल एग्जांपल आ गई तो उसमें वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रहा होता है, और अगर और थोड़ा सा वो आपको कंफ्यूज करना चाहे तो वॉल्यूम देकर एसटीपी पे वॉल्यूम देकर नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा होता है। ये वाला केस बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन बहरहाल आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई कंसंट्रेशन भी अगर गिवन हो ना तो आप मोल्स कैसे निकाल सकते हैं। तो ये चार बेसिक फार्मूलाज हैं। अब हम इन फार्मूलाज की बेस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो पास्ट पेपर में आए हैं। मेरे पास असाइनमेंट है, मेरे पास हैंडआउट है, उसमें पास्ट पेपर के क्वेश्चन हैं, मैं आपको उन्हीं पास्ट पेपर के क्वेश्चन बोर्ड पर सॉल्व करवाता हूँ। राइट, ठीक है बच्चों। हम लोग पहला केस ज़रा देख लें। क्वेश्चन है सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन, सबसे पहली टाइप का क्वेश्चन और सबसे आसान वर्जन मोल्स की कैलकुलेशन का। क्या बोल रहा है भाई? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ NaOH। अब आप देखो ज़रा क्वेश्चन पढ़ो, आपको मास गिवन है, मास इन ग्राम्स गिवन है, और आपसे क्या पूछ रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहे हैं, ऐसे ही है। तो अगर क्वेश्चन में मास गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स पूछे जा रहे हैं तो फिर आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है भाई, तो ये वाला केस हम ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। अब आपको एस सच डेटा बनाने की ज़रूरत नहीं है, डेटा इसमें क्या आप बनाएंगे? सिंपल मास इन ग्राम्स गिवन है, या आप ज़्यादा बेहतर ये है कि मास ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू 100 ग्राम। अब फॉर्मूला मास ऑफ NaOH देख लो भाई, क्वेश्चन पेपर में आपको सोडियम का एटॉमिक मास गिवन होगा विच इज़ 23, ऑक्सीजन का क्या है आपके पास 16, हाइड्रोजन का कितना है 1, तो क्या होगा 23 प्लस 16 प्लस 1, ये आपके पास हो गया 40 AMU। ठीक है भाई, मास आपको 100 ग्राम गिवन है, मोलेकुलर मास 40 AMU आ चुका है। अब आपने नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं, आपने सोल्यूशन लिखा, नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला है गिवन मास अपॉन मोलेकुलर मास, और फार्मूला मास गिवन मास आपको 100 गिवन है, और आपने मोलेकुलर मास 40 से इसको क्या कर दिया बच्चों? डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह ये सिंपलेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है जो पहले फार्मूले पे बेस करता है। अच्छा, अब यूजुअली इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत कम आ रहे होते हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स वाले ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा नंबर ऑफ़ पार्टिकल की बेस पर, ठीक है, और फिर हम उसको ज़रा देखेंगे। इसमें मेरे ख्याल से कोई इतनी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए सारे के सारे क्वेश्चन में। अब मैं यहाँ पर NaOH हटा दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे NaOH हटा के लिख दूँ Na2CO3, तो आपको पता है सोडियम का मास 23 है मल्टीप्लाई 2 होगा, प्लस कार्बन का मास 12 है ऐड होगा, ऑक्सीजन का मास 16 है मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। तो इस तरह फिर हम तीनों के मासेस का सम करके इसका क्या निकाल लेंगे? मोलिकुलर मास निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि नेक्स्ट फार्मूले की बेस पर था, और वो नेक्स्ट वर्जन फार्मूले का क्या है हमारा, क्या आपको क्वेश्चन में क्या गिवन हो? नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन हो। तो फिर मैंने आपको मोल्स निकालने का फार्मूला क्या बताया था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन NA। ठीक है, चलो भाई एक क्वेश्चन देता हूँ, गौर से देखो उसको ज़रा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 3.01 एक्सपोनेंट 23
मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने गिवन है? 3.01 × 10²³। और आपसे वो क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो और आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा हो तो आपको ये फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए। अच्छा, समटाइम क्या होता है कि ये तो बिल्कुल सिंपल पैटर्न में आपसे सवाल पूछ लिया, समटाइम ये भी हो सकता है कि वो आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दे और एवोगैड्रो नंबर आपको पता है, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ ले। यानी इसी फॉर्मूले में वो एक चीज़ देकर दो चीज़ें नोन करवा के एक चीज़ अननोन कर दे। ठीक है, हर दफ़ा नंबर ऑफ मोल्स अननोन नहीं हो सकता, सम टाइम आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी अननोन करके दे सकता है वो। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ मोल्स ही अननोन है, तो हमने जस्ट सिंपल फार्मूला अप्लाई करना है। तो अगर आप डेटा यहाँ पे बनाना शुरू करें तो बच्चों आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने गिवन है? 3.01 × 10²³। और आपको जो है वो Na के बारे में पता है, विच इज़ 6.02 × 10²³। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता है। अच्छा, अब आ जाओ ज़रा सॉल्यूशन पे। क्या है भाई क्वेश्चन में? आपको मोल्स पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है। तो मोल्स का फार्मूला जब मॉलिक्यूल्स गिवन हो तो क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको Na के कितने गिवन है? N2 के 3.01 × 10²³। और एवोगैड्रो नंबर कितना है बच्चों? 6.02 × 10²³। दोनों को डिवाइड कर दो, और दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा बाय यूजिंग कैलकुलेटर हाफ। तो इस क्वेश्चन में N2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? हाफ मोल्स ऑफ N2, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा अब समटाइम क्या होता है तो वो इसी फॉर्मूले में रहते हुए आपको मोल्स दे देता है और आपको जो है फिर वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस तरह का करते हैं ताकि उससे रिलेटेड भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए आपकी। अच्छा भाई, अब मैंने क्वेश्चन क्या दिया है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन। अच्छा देखो, आपके जहन में मैंने आपको मोल्स के फिलहाल कितने क्वेश्चंस करवाए? दो फार्मूले पे बेस करते हुए क्वेश्चंस करवाए। पहला क्वेश्चन क्या था? मास अपॉन मोलिकुलर मास से नंबर ऑफ मोल्स निकालना, विच वॉज सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होगा और मोल्स निकाला जाएगा। आप ज़रा गौर से देखो कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ एटम्स की बात की गई है और आपको मोल्स के बजाय मास इन ग्राम गिवन है। ठीक है, अच्छा अगर डेटा की बात करें तो डेटा तो बहुत सिंपल है इसका कि आपको मास ऑफ कार्बन गिवन है 24 ग्राम और आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, ऐसे ही है ना? अच्छा, अगर आप नंबर ऑफ एटम्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करने जाते हैं तो इस वाले फार्मूले के लिए आपको इनिशियली क्या चाहिए बच्चों? मोल्स चाहिए, सही है। अगर आप इस मोल्स को निकाल लेते हो तो आप उस मोल्स को यहाँ पे पुट करके एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करवा के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकाल लोगे, सही है। और नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए मैंने आपको इनिशियल बिल्कुल बेसिक से फार्मूला क्या बताया? मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे और फिर हम यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे एंड देन फिर नंबर ऑफ़ एटम्स निकालेंगे। तो ज़रा आप ज़रा सोल्यूशन को देखो भाई, देखो नंबर ऑफ़ एटम्स डायरेक्टली मैं क्यों नहीं निकाल रहा? नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली निकालने के लिए क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली निकालने के लिए
नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन ए, ये फार्मूला है। अगर इस फार्मूले की बेस पर हम ये कैलकुलेशन करना चाहें, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का मतलब नंबर ऑफ़ एटम्स, अगर आप नंबर ऑफ़ एटम्स निकालना चाहते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ़ मोल्स, और आपको एवोगैड्रो नंबर याद है, तो नंबर ऑफ मोल्स को आप एवोगैड्रो से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाएंगे ऐसे ही। लेकिन चूंकि नंबर ऑफ़ मोल्स ही नहीं है यानी एन ही नहीं है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में मैं गिवन मास की मदद से पहले क्या निकालूंगा बच्चों, मोल्स निकालूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है, तो कितना होगा स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। मास गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो कैसे करते हैं, मास कितना गिवन है भाई 24 ग्राम, मोलिकुलर मास कितना है आपके पास कार्बन का 12, सही है, एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है 12, तो ये आपके पास आ गया बेटा 2, कितने मोल्स आ गए कार्बन के 2 आ गए। अब हमने नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लिए, अब हम लोग नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। चलो भाई नंबर ऑफ़ एटम्स के लिए क्या करेंगे भाई, जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो से 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो आंसर आ जाएगा 12.04 एक्सपोनेंट 23 एटम्स, ठीक है भाई 6.02 एक्सपोनेंट 12.04 एक्सपोनेंट 23 एटम्स हो गए, ठीक है बच्चों। तो बहुत सिंपल, मैंने पहले इस फॉर्मूले की बेस पे न्यूमेरिकल कराया, फिर इस फॉर्मूले की बेस पे न्यूमेरिकल कराया, फिर मैंने इसी फॉर्मूले के अंदर नंबर ऑफ मोल्स को अननोन कर दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन कर दिया। तो फिर अब आपको सामने एक और क्वेश्चन करवाता हूँ इसी पे बेस करते हुए, फिर मैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे आऊँगा जिसमें मैंने वॉल्यूम की बात की थी, ठीक है। तो ज़रा देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्वेश्चन है आपके पास बेटा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 36 ग्राम ऑफ H2O, तो इस केस में आपने क्या करना है, देखो अगेन आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, ऐसे ही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको पूछा है और आपको मास इन ग्राम्स कितना गिवन है H2O का 36 ग्राम। ऐसा फार्मूला जिसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ रहा है और मोल्स आ रहा है, तो ऐसा फार्मूला आपके पास कौन सा है, नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स अपॉन एन ए। इस फॉर्मूले में आपको एन पता होना चाहिए, नंबर ऑफ़ मोल्स पता होना चाहिए, तो नंबर ऑफ़ मोल्स ज़रा पहले निकाल लो, ठीक है भाई। आपने डेटा बनाया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको कैलकुलेट करने हैं और आपको मास ऑफ H2O 36 ग्राम गिवन है, ठीक है। अच्छा भाई सॉल्यूशन, ठीक है सॉल्यूशन में क्या करोगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, कितना मास गिवन है स्मॉल m अपॉन कैपिटल m, मास गिवन है 36 ग्राम, कैपिटल m H2O का मास 18 ग्राम, कैसे, हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का मास 16, 2 प्लस 16 कितना हो गया 18, दो मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब आ जाओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, क्या फार्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन ए 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो हो जाएगा 12.04 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो दो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हमने कर लिए, एक में नंबर ऑफ मास गिवन होता था मोल्स निकालने होते थे, एक में नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होता था मोल्स निकालने थे, या समटाइम मोल्स होता तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने थे। अब तीसरा केस क्या होगा, तीसरा केस ये होगा कि मैं आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम दूंगा, फिर आप उस वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे एंड देन फिर उस नंबर ऑफ मोल्स को फिर हम, ठीक है। तो अब तीसरा जो टाइप का क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ,
सही है बच्चों। तीसरा जो फार्मूला है जिसमें मैंने क्या बताया था आपको, क्वेश्चन में क्या गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, और ये सारी बात किस पर की गई हो, एसटीपी पर, और आपसे वो क्या निकालने का बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स। तो मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो वॉल्यूम गिवन है आप उसको 22.4 से डिवाइड करवाओगे। जो वॉल्यूम गिवन है उसको किससे डिवाइड करवाओगे, 22.4 से। चलो क्वेश्चन देख लो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 44 डीएम क्यूब ऑफ CO2। आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम कितना गिवन है CO2 का, सही है, 44 डीएम क्यूब ऑफ CO2 एट STP, 44 डीएम क्यूब ऑफ CO2 एट STP, ठीक है। चलो भाई देखो, डेटा बनाओ जरा इसका। पहले डेटा, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है। आपको वॉल्यूम क्वेश्चन में एसटीपी पर कितना गिवन है, 44 डीएम क्यूब, तो आप क्या लिखूंगा मैं, वॉल्यूम एट एसटीपी 44 डीएम क्यूब, ठीक है। अच्छा, आपको वॉल्यूम गिवन है, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। जल्दी से याद करो एक फार्मूला जिसमें वॉल्यूम गिवन हो और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, तो वो फार्मूला है एन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम गिवन डिवाइड बाई 22.4, ठीक है, एसटीपी पर। सॉल्यूशन लिखो आप सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 डीएम क्यूब, ठीक है भाई। चलो भाई आ जाओ ज़रा, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, वॉल्यूम आपको गिवन है 44 डीएम क्यूब और आपने इसको डिवाइड करना है 22.4 से। सो दैट्स हाउ यू गोना कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड द आंसर विल बी 1.96 डीएम क्यूब, ठीक है बच्चों। तो तीन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए जिसमें आपको मास गिवन है, वॉल्यूम निकालना है, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, और आपको नंबर वॉल्यूम गिवन है एसटीपी पर और नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एम्पेरिकल और मोलेकुलर फार्मूला पर डिस्कस करेंगे, और वो क्वेश्चंस हमारे बोर्ड के पेपर में ऑलमोस्ट हर साल आते हैं। शॉर्ट अगर वर्जन आ रहा है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लॉन्ग वर्जन आ रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कुछ सालों में कुछ पैटर्न से हटकर एसटीपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।